Good morning, students. I am your Hindi teacher Renu Singh, and I am representing our school, Heritage Public School, and I am going to teach you Hindi online. आइए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक बसंत का पार्ट वन. शीर्षक है ध्वनि. कक्षा आठ की पार्ट वन जिसका शीर्षक ध्वनि है, इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं. इनका जन्म 11 फरवरी 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई. अब इस कविता का सार इस प्रकार है. ध्वनि के माध्यम से निराला जी अपने देश के नवयुवकों को, जिनमें आलस छाया हुआ है, उनमें उल्लास भरने के लिए अपनी ध्वनि के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं, देश को जागृत करने के लिए. प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग तीन में संकलित कविता ध्वनि से है. कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं. इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है. अब स्टार्ट करते हैं इस कविता की व्याख्या. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे बन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत. यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत अर्थात समाप्ति, अंत का यहाँ मतलब है समाप्ति, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन रूपी बन में मृदुल यानी कोमल, वसंत यानी वो ऋतु जिसमें फूल खिलते हैं. फूल खिलने की ऋतु को बसंत कहा जाता है और बसंत वो ऋतु है जो सभी ऋतुओं की राजा है. और बसंत को कामदेव भी बहुत अधिक मोहित होते थे बसंत ऋतु में, इसलिए यहाँ पर कवि ने वसंत ऋतु के माध्यम से नवयुवकों को प्रेरणा दी है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता क्योंकि अभी अभी तो हमने अपने जीवन रूपी वन में ये बसंत का आगमन किया है. हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल फेरूंगा नदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर. देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे बसंत ऋतु आती है तो उसमें पूरा जो वातावरण है पेड़ पौधों का वो हरा हरा हो जाता है और कहीं कलियां खिल रही होती हैं, कहीं डालियां निकल रही होती हैं, कोमल पत्ते होते हैं. तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि ये हरे हरे पत्ते, पात माने पत्ते, डालियां दिखाई दे रही हैं, कलियां दिख रही हैं, कोमल गात अर्थात कलियों का जो शरीर है वो कोमल है. गात माने यहाँ पर शरीर कहा गया है. कलियों का जो शरीर है कितना है, कोमल है. मैं ही अपना स्वप्न, मैं अपना सपना, मृदुल हाथ अर्थात सपने को मृदुल यानी अपने कर अपने हाथों से अपने फेरूंगा निजित कलियों पर, ठीक है. जगह एक प्रत्युष सवेरा मनोहर, प्रत्युष माने होता है सवेरा, मनोहर माने सुंदर. तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जब ये कलियां जब मैं अपने इसमें अपने सपनों को इसमें फेरूंगा तभी एक सुंदर सवेरा दिखाई देगा. अर्थात यहाँ पर कवि भावार्थ ये है, कवि ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर इतना जोश है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बसंत ऋतु में अगर कलियों पे अपना हाथ स्पर्श करूंगा तो ये और सुंदर दिखाई देगा. इसी प्रकार यहाँ पर कवि इन कलियों के या बसंत के माध्यम से ये देश के नवयुवकों को जो जीवन में अलसाए हुए हैं, जिनने उल्लास करने के लिए उनके जीवन को उल्लसित करने के लिए उनको जीवन को उत्साह और जोश देने के लिए उन्होंने बसंत का उदाहरण माध्यम दिया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें अपने ध्वनि के माध्यम से उन्हें प्रेरित करूंगा तो निश्चय ही इस बसंत का आगमन हो जाएगा. धन्यवाद.